पूर्व मंत्री निर्मल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। चित्रा सरवारा भी कांग्रेस की हिस्सा हो चुकी हैं, अब उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में ही ये शामिल हुए हैं, जिसमें नाम सामने आ रहे हैं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह कांग्रेस का हिस्सा हो गए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चित्रा सरवारा भी कांग्रेस में शामिल हुई है, कांग्रेस मुख्यालय में ही उनको शामिल किया गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, साथ ही दीपक बावरिया, जिनकी मौजूदगी में वो यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं की मौजूदगी थी जिस वक्त कांग्रेस ज्वाइन वो कर रहे थे, कांग्रेस मुख्यालय में शामिल हुए हैं। चित्रा सरवारा भी कांग्रेस का हिस्सा हो चुकी हैं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। आगे की रणनीति कैसे तैयार करनी है ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी फिलहाल बहुत विषम परिस्थितियों से जूझ रही है। आगे आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन वोट बैंक कैसे बढ़ेगा ये देखना होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, पूर्व कांग्रेस पे ज्वाइन हुए हैं और कांग्रेस मुख्यालय में शामिल हुए, ये सभी उस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में ही शामिल हुए हैं, जहां पर उस वक्त जो उपस्थिति थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। उदय भान भी उस वक्त मौजूद वहीं पर रहे, दीपक बावरिया की मौजूदगी भी देखी गई, इन सभी की मौजूदगी में शामिल देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, उदय भान वहां पर मौजूद हैं और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह जिस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए उस वक्त कौन कौन वहां पर उपस्थित रहा, दीपेंद्र हुड्डा वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, उदय भान भी वहीं पर उनके बगल में और खुद भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ में बैठे हुए विराजित हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको वहां पर शामिल करवाया गया है। निर्मल सिंह अब कांग्रेस का हिस्सा हो चुके हैं, आगे की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से शुरू करनी है और चुनौतीपूर्ण बहुत आगे वाली स्थिति होने वाली है, लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन की है चित्रा सरवारा ने भी। तो देखिए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और साथ ही चित्रा सरवारा जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं, दोनों को ज्वाइन करवाया है। उदय भान वहां पर मौजूद रहे, दीपेंद्र हुड्डा सभी उनकी मौजूदगी में वहां पर ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, चित्रा सरवारा भी और निर्मल सिंह भी दोनों ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, आगे की रणनीति भी तैयार हो ही रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि आगे जो स्थिति होने वाली है, आगे जो पार्टी तैयारियां कर रही है, कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल, और निर्मल सिंह जो कि आते हैं अंबाला से और उन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी को, और इसी के साथ उनकी बेटी चित्रा सरवारवा वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो बताया जा रहा है कि खासतौर से इस क्षेत्र में अंबाला रीजन में उनका प्रभाव है और कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री रहने के नाते उनका प्रभाव क्षेत्र वो रहा है। 2019 में जिस तरीके से उम्मीदें कर रहे थे वो टिकट मिलेगा पार्टी का, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उनकी बेटी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी रही हैं क्योंकि वो कांग्रेस में पदाधिकारी रही हैं, और कहीं ना कहीं अब जब ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस मुख्यालय में खुले मैदान में, दीपक बावरिया जो हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं उन्होंने ये ज्वाइनिंग कराई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं यहाँ पर, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा उनकी मौजूदगी और उन्होंने बयान भी दिए हैं। उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि उनके घर वापसी से काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और खासतौर से कांग्रेस मजबूत होगी,
हरियाणा में, तो एक बेहतर संतुलन बना रही है ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर देखें इसके राजनीतिक इम्पैक्ट को देखें, असर को देखें, तो कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से हाल के दिनों में गुटबाजी रही है उसके इतर उससे बड़ा मैसेज देते हुए ये ज्वाइनिंग नजर आ रही है। क्योंकि अम्बाला में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का प्रभाव क्षेत्र रहा है वो, और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी निश्चित तौर पर कई सवाल हैं कि क्या ये जो ज्वाइनिंग हुई है जिस पर रोक थी, क्या ये जो वापसी हुई है किस तरीके से असर डालेगी, हुड्डा खेमे को मजबूत करेगी ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस ज्वाइनिंग के अपने राजनीतिक मायने हैं, मकसद हैं ये कहा जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कहती है कि गुटबाजी है ही नहीं, वो तो पूरी तरह से इनकार करती है। देखिए बिल्कुल, और अमूमन जब भी मंच पर सार्वजनिक मंच पर या सवाल पूछे जाते हैं तब कांग्रेस के नेता यही कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी एकजुट है, और अगर ऐसी बात भी होती है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ही अगर राजनीतिक जोर आजमाइश होती है तो पार्टी के हित में होती है, वो पार्टी के लिए अच्छे संकेत होते हैं कि पार्टी मजबूत है और इसलिए इसके उस नजरिए से भी मायने ढूंढे जाने चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरे माहौल में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बना है और जो हरियाणा में जिस तरीके से राजनीतिक लड़ाई चल रही है इस बीच ये एंट्री हुई है और ये कहीं ना कहीं माहौल को लेकर राजनीतिक तौर पर एक माहौल बनाएंगे। खास तौर से जिस तरीके से गैजेट अदर की बात होती है उसमें यहाँ पर निर्मल सिंह की उनकी बेटी की वापसी होती है कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस पार्टी अब दावा कर रही है कि उनके पक्ष में माहौल बन रहा है, उनके नेता ये दावा कर रहे हैं। तो जरूर है कि जो पूरी तरीके से कमान यहाँ पर सौंपी जाए ये भी मांग हो रही है और एक मैसेज भी जाए ये भी मांग हो रही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और इस लिहाज से इस ज्वाइनिंग को अगर जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कई बहस छिड़की हैं इस ज्वाइनिंग के साथ ही, कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और निश्चित तौर पर इस पर पार्टी पर जो भी पार्टी छोड़कर गए लोग हैं अगर वो वापसी करते हैं तो पार्टी इससे मजबूत होती है, पार्टी पर सकारात्मक मैसेज जाता है, ये पार्टी के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।